राजधानी पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र के बिस्कोमान भवन में कर्मचारियों ने किया हंगामा। अपनी 18 सूत्री मांग को लेकर हंगामा किया गया है। वही बिस्कोमान कर्मचारियों ने बिस्कोमान के प्रबंधक सुनील कुमार का घेराव भी किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कर्मचारियों से बातचीत करके समझौते किए, लेकिन कर्मचारी अपने मांग को लेकर अड़े रहे। अपने नियमित करने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने किया हंगामा। प्रबंधन के जो दमनकारी नीति है उसके खिलाफ, साथ ही साथ हमारा मेन मांग जो है, हम लोग अगले 21 तारीख को भी हम लोगों ने कहा था कि हमने 18 सूत्री एक मांग जो है प्रबंध निर्देशक बिस्कोमान को और माननीय अध्यक्ष बिस्कोमान को दिया था कि हमारा जो मुख्य मांग है वो है कर्मचारी को जो 2 साल परीक्षामान अवधि को पूरा कर चुके हैं उनको कन्फर्मेशन प्रोवाइड करना और उनका जो है पे स्केल बढ़ाना है। साथ ही साथ जो कर्मचारियों को दमन हो रहा है, जो इधर उधर की बातें करके किसी न किसी हमेशा जो है किया जाता है और हम लोगों को किसी न किसी आरोप में फंसा, कर्मचारी जो दिन रात एक काम कर रहे हैं उनको किसी न किसी घोटालेबाज का नाम संज्ञान देकर हटाने का प्रयास भी किया गया। तो हमारा मुख्य मांग जो है कर्मचारियों का शोषण जो है बंद किया जाए और जो हमारी जो परीक्षामान अवधि जो पूरा कर लिए हैं कर्मचारी उनको पूरा किए, नई बहाली भी निकाली गई है। क्योंकि पहले का जो है लड़का उसको तो कंफर्मेशन मिल ही नहीं रहा है, तो नया बहाली कर करके और उसमें से पुराने लोगों का किसी न किसी आरोप में हटाने का जो प्रयास किया जा रहा है उसको क्या किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है प्रबंधक को कि पुराने लोगों को हटाने का। तो बहाली का विरोध आप लोग कर रहे हैं? ये हम लोग बहाली का भी विरोध कर रहे हैं और हमारी जो मांग का जो है जो अभी तक पूरा नहीं किया गया उसका भी विरोध। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयशंकर कुमार हुआ। आगे आप लोग क्या करेंगे? यदि हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो हम लोग अनिश्चितकालीन कोर कमेटी के मीटिंग के बाद जो है हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाएंगे और इसका जो है पत्राचार के माध्यम से जो है हम लोग प्रबंधन को भी सूचित करेंगे और प्रेस मीडिया और सारे बंधुओं को भी इसके सूचित करेंगे और बिहार सरकार से भी हमारी मांग होगी कि इस संज्ञान को में पड़े, क्योंकि ये बिस्कोमान जो है उनका बहुत बड़ा सेहरांश जो है अभी भी बिहार सरकार का। बंद करो।